गुड मॉर्निंग बच्चों, अपन डिस्कस कर रहे हैं इवोल्यूशन के बारे में, और कल की क्लास में मैंने काफी सारे टॉपिक समझाए थे। अपन एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन कर रहे हैं, ओके बेटा। तो उसमें मैंने आपको कल दो एविडेंसेस बताए थे, होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालोगस ऑर्गन्स। बच्चों, होमोलोगस ऑर्गन्स क्या है कि डिफरेंट एनिमल्स या डिफरेंट प्लांट्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो ऐसे ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन सेम है, जिनकी स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन उनके फंक्शंस डिफरेंट है, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चों, फोर लिम्स ऑफ फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड एंड ह्यूमन। इनकी स्ट्रक्चर सेम है, इनकी बोन्स सेम है, लेकिन इनके फंक्शंस डिफरेंट है, ओके बेटा। सेकंड लेते हैं एनालोगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स उन ऑर्गन्स को कहते हैं जिनकी स्ट्रक्चर, जिनका ओरिजिन डिफरेंट होता है लेकिन फंक्शन सेम होते हैं। अगर मैं इनके एग्जांपल्स की बात करूं तो विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, बैट्स एंड बर्ड्स, फंक्शन सबके सेम है, फ्लाई करना, फ्लाइट के लिए, लेकिन इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर और इनकी ओरिजिन डिफरेंट होती है। बच्चों, इस एविडेंसेज में जो नेक्स्ट ग्रुप मैं ले रहा हूं, मैं टॉपिक लिख देता हूं, एविडेंसेज ऑफ evidences of evolution। इसमें बच्चों थर्ड जो एविडेंस है, दो मैं समझा चुका हूं कल आपको, और अभी भी थोड़ा सा ब्रीफ में बताया मैंने आपको। थर्ड एविडेंस है फॉसिल्स, इन्हें हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजिकल, पैलियोंटो लॉजिकल पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है बेटा, इनके एग्जांपल भी मैं लिख देता हूं। फोर्थ हम लेते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। इनके एग्जांपल हैं अपेंडिक्स, एंड कॉक्सिक्स। तो बच्चों एविडेंसेस में थर्ड एविडेंस है फॉसिल्स। बच्चों, अर्थ की जो लेयर्स है, जब हम जो पैलियोंटोलॉजिस्ट है जब अर्थ की जमीन की खुदाई करते हैं और उनकी डिफरेंट लेयर्स के अंदर जो प्रीवियस जो एनिमल्स थे या प्लांट्स थे उनके रेजिड्यूज मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, तो उन अवशेष को हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो उन फॉसिल्स की स्टडी करने पर हमें पता चलता है कि शायद इवोल्यूशन होके आज का जो फॉर्म है वो हमारे सामने आया है। अब बच्चों, हमने डायनासोर्स को देखा नहीं है, डायनासोर्स को हमने नहीं देखा, लेकिन उनके जो फॉसिल्स मिले हैं जैसे कि राजासोरस है ना, तो इन फॉसिल्स से हमें आइडिया लगता है कि पहले ऐसे एनिमल थे जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। बच्चों, काफी सारे ऑर्गन ऐसे हैं जो कि हमारे अंदर है लेकिन हमारे अंदर उनका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन वही जो एनिमल्स हैं उनके अंदर उनका रोल होता है, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जैसे ह्यूमन मेल की बात करें तो सीने के ऊपर हेयर की ग्रोथ होती है, ठीक है ना, तो जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडी पर हेयर आते हैं, तो वहां तो वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, हीट देते हैं, कोल्ड से बचाते हैं, लेकिन हमारे अंदर हेयर है उनका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना, तो ये क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसी के साथ साथ हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके नीचे की और सिकम वाले पार्ट से एक आउटग्रोथ होती है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो हमारे अंदर इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन जो हर्बीवोर एनिमल्स है वहां उनका डाइजेशन में रोल होता है,
ठीक है। इसी तरीके से जो हमारी वर्टेब्रल कॉलम है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उसके सबसे सबसे जो लास्ट की जो बोन्स होते हैं उन्हें हम कॉक्सिस कहते हैं। तो ये जो कॉक्सिक्स होती हैं, इनके अंदर काफी सारी छोटी छोटी बोन्स होती हैं, ठीक है ना। तो जो टेल्ड एनिमल है, जो टेल्ड एनिमल होते हैं, जो मैमल्स एनिमल हैं, उनके अंदर टेल पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है, तो वो पूंछ कॉक्सिक्स से ही निकलती है। तो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो टेल है वो एक्सटिंक्ट हो गई है, लेकिन उनके जो रेजिड्यू है कॉक्सिक्स बचे रह गए हमारे अंदर, ठीक है ना। तो वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारे अंदर, ठीक है। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन भी हमें बताते हैं कि इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ है। ओके बेटा, चलिए अब लेते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, लेते हैं फॉसिलाइजेशन। बच्चों व्हाट इज द फॉसिलाइजेशन, फॉसिलाइजेशन क्या है बच्चों? फॉसिल्स का फॉर्मेशन होना, दिस इज कॉल्ड फॉसिलाइजेशन। इसको आप एनसीईआरटी बुक से रीड कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है बच्चों कि जो टाइम के साथ में जब एनिमल्स या प्लांट्स जब डेड हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं, तो उनके ऊपर सॉइल की लेयर डिपोजिट हो जाती है, धीरे धीरे और सॉइल की लेयर डिपोजिट होती जाती है, और वो जो एनिमल या प्लांट है वो सबमर्ज हो जाते हैं, दबे रह जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और धीरे धीरे उनका डिग्रेडेशन होता रहता है, होता रहता है, और फिर वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, फॉसिलाइजेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं मैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ फॉसिल। डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स की एज का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है? इसमें बच्चों फर्स्ट है रिलेटिव डेटिंग, और सेकंड है एब्सोल्यूट डेटिंग। बच्चों आपका जो लेवल है वो 10th क्लास है, और 10th के स्टैंडर्ड में जो चीजें हैं वो हम समझ रहे हैं। काफी चीजें ऐसी हैं जो आप हायर क्लासेस में जाके और डीप में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो यहां पर मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि फॉसिल्स का एज का पता कैसे लगाया जाता है। तो रिलेटिव डेटिंग फर्स्ट मेथड है, रिलेटिव डेटिंग। रिलेटिव डेटिंग क्या कहती है कि जो फॉसिल जितना ज्यादा अर्थ की सरफेस के करीब है, नजदीक है, वो उतना ही ज्यादा लेटेस्ट है, और जो जितना ज्यादा डीप है अर्थ के अंदर वो उतना ही ज्यादा ओल्ड है। तो ये रिलेटिव डेटिंग कहलाती है, ठीक है। सेकंड लेते हैं एब्सोल्यूट डेटिंग। एब्सोल्यूट डेटिंग में क्या है कि जो फॉसिल्स निकलते हैं और उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर जो एटम्स हैं, जैसे कि यूरेनियम है या सेलेनियम है या कार्बन है, ठीक है, तो उनके द्वारा एग्जैक्ट पता लगाना कि ये इतने साल पुराना फॉसिल है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट डेटिंग कहते हैं। ओके बेटा, जैसे कि कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग में क्या है कि जो फॉसिल निकलता है तो उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो उसके कार्बन को के आइसोटोप को यूज करते हुए एग्जैक्ट एज निकाली जाती है कि इतने साल पुराना है ये फॉसिल। तो इसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट डेटिंग। फॉसिल के अंदर जो एलिमेंट है, एटम है, उनके द्वारा एग्जैक्ट अनुमान लगाना, प्रिडिक्ट करना कि ये इतने साल पुराना है, इसे हम एब्सोल्यूट डेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं बच्चों अपन, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। कि इवोल्यूशन स्लोली होता है, धीरे धीरे होता है, और स्टेजेस में होता है। इवोल्यूशन बाय स्टेजेस,
इसमें सबसे पहले लेते हैं फिटनेस एडवांटेज, फिटनेस एडवांटेज, इवोल्यूशन ऑफ, इवोल्यूशन ऑफ आईज, नेक्स्ट लेते हैं हम फंक्शनल एडवांटेज, इवोल्यूशन ऑफ फीटर, बच्चों मैं आपको ये जो टॉपिक समझा रहा हूं ये पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूं, कट टू कट समझा रहा हूं, समझ में आ गई बात आपके? और मेरा ऐसा मानना है कि ये जल्दी आपको एब्जॉर्ब होगा, ठीक है? तो अपन ले रहे हैं इवोल्यूशन बाय स्टेजेस, कि जो इवोल्यूशन होता है वो स्टेजेस में होता है, स्लोली होता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? फर्स्ट लेते हैं फिटनेस एडवांटेज, कि कोई भी इवोल्यूशन हुआ, कोई भी चेंजेस आया किसी एनिमल में और प्लांट में, और वो उसके लिए बेनिफिट है, बेनिफिशियल है, उसकी फिटनेस के लिए बेनिफिशियल है, तो वो धीरे 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 वो जो कैरेक्टर होता है, वो जो चेंज होता है, वो उसमें परमानेंट हो जाता है और वो और ज्यादा डेवलप हो जाता है। जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ आईज, तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें आईज नहीं होती है, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना? तो जो प्लेटो हेलमिंथीज है उनमें रूडिमेंट्री आईज होती है, होती है आईज, रूडिमेंट्री होती है। फिर धीरे धीरे जो और एनिमल है उनमें थोड़ी और डेवलप हो गई, जो आर्थ्रोपोड्स है उनमें कंपाउंड आईज पाई जाती है, और जो हायर एनिमल है, जो मैमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, इनके अंदर कंप्लीटली डेवलप आईज होती है। तो पहले रूडिमेंट्री आईज का इवोल्यूशन हुआ, फिर धीरे धीरे उनमें और कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती गई, वो और डेवलप होती गई, और आज जो ह्यूमन में जो आईज है वो मोस्ट डेवलप है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन इन स्टेजेस कहते हैं, इवोल्यूशन ऑफ आईज के एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। सेकेंड लेते हैं फंक्शनल एडवांटेज, के कुछ ऑर्गन या कुछ चेंजेस ऐसे आते हैं जो फंक्शन के लिए अच्छे रहते हैं, बेनिफिशियल रहते हैं एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल एडवांटेज कहते हैं। जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ फीडर, बच्चों ऐसा माना जाता है कि बर्ड्स के अंदर फीडर का इवोल्यूशन इसलिए हुआ होगा जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके कोल्ड के अंदर। तो जब सर्दी होती है, कोल्ड होती है, तो फीडर उनको कवर करते हैं। लेकिन धीरे धीरे बर्ड्स के अंदर क्या ये एबिलिटी आ गई कि वो फ्लाइट करने लगे, तो जो फीडर है वो फ्लाइट में भी काम आने लगे। आगे बात समझ में? तो इसे हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन ऑफ फीडर्स। आपने देखा होगा कि कई एनिमल, कई बर्ड ऐसे हैं जो हैवी है, जिनके फीडर भी होते हैं लेकिन वो उड़ नहीं पाते, ठीक है ना? तो वो उनको इंसुलेट तो करते हैं, उनको कोल्ड से तो बचाते हैं, लेकिन जो दूसरे बर्ड्स हैं उनके अंदर वो फ्लाइट में भी अपना रोल प्ले करते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ फीडर्स जो है फंक्शनल एडवांटेज को शो करता है। ओके बेटा, यहां तक अगर क्लियर है आपके तो एक बार सब हैंड रेज कर दो, ठीक है? फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं। ओके, ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों एक चीज और, जैसे इवोल्यूशन हो जाएगा फिर नेचुरल रिसोर्सेज के कुछ जो पॉइंट्स हैं वो अपन डिस्कस कर लेंगे। वैसे ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फिर एक दो बच्चों का ये कहना था कि सर लाइफ प्रोसेसेस को दोबारा समझाना है, तो क्या आप सब एग्री है क्या कि लाइफ प्रोसेस को मैं रिपीट करूं या कुछ एक टॉपिक को रिपीट करूं? अगर आप एग्री है कि हाँ सर लाइफ प्रोसेस के टॉपिक्स को एक बार रिपीट कर देना, तो एक बार हैंड रेज कर दो आप। ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ
अच्छा एक चीज और बच्चों, मैं आप सबसे ये कहूंगा कि आप लोग एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए तैयारी करें। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एनसीईआरटी बुक की एक एक लाइन को अच्छे से रीड कर ले तो भी आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लगता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, तो वो नोट्स से कंसल्ट कर सकते हैं। नोट्स में मैंने काफी कॉम्पिटिटिव पार्ट को भी ऐड किया है, तो वो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देगा। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी से भी पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करते हैं तो भी आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है बेटा, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन, एक स्केच बना रहा हूं बच्चों, वाइल्ड कैबेज बच्चों, इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन, इसका मीन क्या है? आर्टिफिशियल यानी कि बाय द ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है बेटा, मैं आपको आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है पहले तो ये समझा देता हूं। सपोज करो बच्चों, मैं एक फार्मर हूं, मान लो मैं एक किसान और मैं गेहूं की खेती करता हूं, वीट की फार्मिंग करता हूं। ठीक है, और मेरे फार्म के अंदर ये समस्या है कि जो वीट है उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, उसकी पैदावार बहुत अच्छी नहीं है। तो मैंने क्या किया कि एक रिसर्च सेंटर गया, एक वीट के रिसर्च सेंटर गया, बीकानेर से बाहर या कहीं भी जहां है वीट का रिसर्च सेंटर, और वहां से मैंने हाई ब्रीड वाले वीट के पोलन ग्रेन ले लिए। हाई ब्रीड वाले जो हाई प्रोडक्टिविटी वाला जो वीट है, प्लांट है, ब्रीड है उसकी, उसके पोलन ग्रेन ले लिए और मैं वापस अपने फार्म में आया। अच्छा, जाने से पहले मैंने क्या किया कि उस वीट के जो फ्लावर्स हैं उनको मैंने पेपर के बैग से या पॉलिथीन से कवर कर दिया, जिससे क्या है अनडिजायर्ड जो पोलन ग्रेन है वो उनके ऊपर ना गिरे। आपको पता ही है कि प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि जब पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट पर गिरते हैं, जर्मिनेट होते हैं, तो वो मेल गैमेट को रिलीज करते हैं, तब फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है ना, तो मैं पेपर बैग से या पॉलिथीन से कवर करके चला गया और कहीं और से पोलन ग्रेन लेके आया और वो पोलन ग्रेन मैंने वहां पर छिड़क दी। ठीक है, वो बैग हटा के मैंने वहां डाल दिए। अब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हुआ और मेल गैमेट गए फीमेल पार्टनर, फीमेल गैमेट से फ्यूज हो गए, तो इससे जो नए सीड बने उनको जब बोया गया तो गेहूं की पैदावार इंक्रीज हो गई। तो यहां पर मैंने क्या किया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया। मैंने आर्टिफिशियली एक हाई ब्रीड वाले जो कैरेक्टर प्लांट है वीट के, उसके कैरेक्टर को अपने फार्म के वीट प्लांट में इनकॉर्पोरेट कर दिए। तो इस तरीके से बच्चों, दो तीन जनरेशन तक अगर मैं ऐसा करता हूं
तो मेरे फार्म के अंदर जो वीट की वैरायटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, वीट की जो ब्रीड है वैरायटी है वो और बढ़िया हो जाएगी, उसकी पैदावार और अच्छी हो जाएगी। तो ये कैसे किया मैंने? आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा, यानी कि मैंने अपने इंटरफेरेंस के द्वारा किया। और ये क्या है? ये एक इवोल्यूशन है कि मैंने एक लो प्रोडक्टिविटी वाली, कम पैदावार वाले वीट के प्लांट को मैंने क्या किया, हाई प्रोडक्टिविटी वाले प्लांट में कन्वर्ट कर दिया। तो यही तो इवोल्यूशन है। तो इस तरीके से स्पेशली प्लांट प्लांट के अंदर, तो जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन की जो फूड की डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं और कई सारी हायर ब्रीड डेवलप करते हैं, वीट की, राइस की, मेज की, ठीक है ना, भिंडी की, टमाटर की और दूसरे जो फूड की जो फसलें हैं उनकी वैरायटी को वो इम्प्रूव कर देते हैं या करते आ रहे हैं या उन्होंने ऐसा किया है, ठीक है। तो ये एक इवोल्यूशन का ही एग्जाम्पल है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक चार्ट सा बनाया है। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना, वाइल्ड एनिमल या वाइल्ड प्लांट, अगर कोई भी वाइल्ड है ना, जंगली है, तो उसके कई बेनिफिट भी है कि वो डिजीज रेजिस्टेंस होते हैं क्योंकि वो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनमें इम्यूनिटी इतनी अच्छी आ जाती है एनिमल्स के अंदर और डिजीज रेजिस्टेंस और आ जाता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना। तो वाइल्ड एनिमल और या फिर जो वाइल्ड प्लांट होते हैं वो डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों वाइल्ड कैबेज, जो वाइल्ड कैबेज या गोभी है उससे, उसके पॉलन ग्रेन्स लेके या उसके द्वारा आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके कई सारी दूसरी जो गोभी की वैरायटीज हैं वो डेवलप की गई हैं, जैसे कि वाइल्ड कैबेज से कोल रबी, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, कैबेज, रेड कैबेज एंड केल, ये सभी गोभी की वैरायटीज हैं, लेकिन ये सभी वाइल्ड कैबेज से आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा इवोल्यूट की गई है। ओके बेटा, तो इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन में कुछ इस तरीके से जो है, जो प्लांट की ब्रीड है उसको इंप्रूव करवाया जाता है। डीएनए चेंजेस, ये तो तय है, ये तो तय है बच्चों के अगर इवोल्यूशन हो रहा है तो उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर, क्रोमोजोम के अंदर, जीन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं और इन डीएनए के चेंजेस के कारण से ही इवोल्यूशन हो रहा है। क्योंकि आपने अब तक समझा हेरिडिटी चैप्टर में कि डीएनए ही मास्टर कॉपी है हमारी सेल के अंदर, डीएनए से बने जीन और क्रोमोसोमी हमारे ट्रेट्स को, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। तो डीएनए में चेंजेस ही इवोल्यूशन को लाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या है कि कुछ एक ऑर्गेनिज्म की जो इवोल्यूशन की जो हिस्ट्री है उसको स्टडी करना, उसे हम क्या कहते हैं, फाइलोजेनी कहते हैं। अगर ये स्टडी डीएनए के बेस पेयर्स को पता लगाकर, एमिनो एसिड्स के, प्रोटीन के एमिनो एसिड्स के सीक्वेंसेस को पता लगाकर किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी कहते हैं। यानी कि इवोल्यूशन की हिस्ट्री को स्टडी करना बाय द हेल्प ऑफ, बाय द स्टडी ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, नाइट्रोजीनस बेस के सीक्वेंसेस को पता लगाकर और एमिनो एसिड के सीक्वेंसेस को पता लगाकर करना, इसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी कहते हैं, ठीक है बेटा। चलिए बच्चों एक लाइन है फिर ह्यूमन इवोल्यूशन को करके इस चैप्टर को क्लोज कर रहा हूं मैं। इवोल्यूशन शुड नॉट बी प्रोग्रेसिव, इस लाइन का क्या मीन है? इवोल्यूशन शुड नॉट बी प्रोग्रेसिव। रोनित बात करता हूं मैं ना, अपनी ये कंप्लीट कर दूं फिर मैं बताता हूं। इवोल्यूशन शुड नॉट बी प्रोग्रेसिव। बच्चों जरूरी नहीं है कि इवोल्यूशन हमेशा प्रोग्रेसिव ही हो, कई बार वो रेट्रोग्रेसिव भी होता है। जैसे कि यूरोकॉर्डेट, जो वर्टिब्रेट, जो कॉर्डेट एनिमल है उनमें जो यूरोकॉर्डेट है उनका जो लार्वा होता है वो ज्यादा डेवलप होता है लेकिन जो अडल्ट है वो लेस डेवलप होता है। इसी तरीके से जो एंजियोस्पर्म प्लांट में ऐसा माना जाता है कि जो मोनोकोट प्लांट है वो बाद में डेवलप हुए हैं,
पहले डाइकोट प्लांट डेवलप हुए थे, तो डाइकोट ज्यादा डेवलप है। तो अगर ऐसा इवोल्यूशन जिसमें डेवलपमेंट हो रहा है होता है तो उसे तो कहते हैं प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, और ऐसा डेवलपमेंट जिसमें ऐसा इवोल्यूशन जिसमें डेवलपमेंट लेस हो जाता है, डेवलपमेंट रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन या रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। ओके बेटा, तो ये दो कंसेप्ट थे। ठीक है, अब बच्चों ह्यूमन इवोल्यूशन को अपन डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन, मैं ह्यूमन की स्टेजेस लिख देता हूं, ड्रायोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस बच्चों ये लास्ट टॉपिक है इसका, इस चैप्टर का, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और फिर है होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस के बाद में नियंडरथल, नियंडरथल मैन, नेक्स्ट फिर होमो सेपियन। जल्दी से लेते हैं इस टॉपिक को और फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, होमो सेपियंस। ठीक है, अब बच्चों यहां पर मैं ब्रेन कैपेसिटी लिख रहा हूं 500 cc, ब्रेन कैपेसिटी ये 650 टू 800 सीसी, होमो इरेक्टस की 900 सीसी, नियंडरथल की 1400 सीसी और होमो सेपियंस की 1600 सीसी। ध्यान से देखिए बच्चों, बच्चों ऐसा माना जाता है कि आज का जो मानव है जैसा दिख रहा है, इतना डेवलप दिख रहा है, एडवांस दिख रहा है, ऐसा पहले नहीं था। पहले मानव भी जानवरों की तरह जंगलों में रहते थे, ठीक है ना, पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते थे, दूसरे जानवर को पत्थर से मार के उसके मांस को डायरेक्ट के खा लेते थे उसको। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि आग का डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, आग का डिस्कवरी हुई, तो फिर उनको स्वादिष्ट लगा फूड, तो उन्होंने जो दूसरे जानवर के मीट को या मांस को उन्होंने पका के खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो अपने शरीर को ढकने लग गए, अपने बदन को ढक के रखने लग गए, ठीक है, धीरे धीरे वो ग्रुप में रहने लग गए, है ना, धीरे धीरे उनमें समूह बनने लग गए, फिर उन्होंने घर बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, धीरे धीरे कुछ साल बाद में फिर जो खेती का आविष्कार हुआ वो खेती करने लग गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, धीरे धीरे और साइंस का डेवलपमेंट होता गया और आज का जो ह्यूमन है वो आपके आपको नजर आ रहा है कि इतना एडवांस है, इतना डेवलप है। तो सबसे ज्यादा जो डेवलप स्पीसीज है एनिमल्स की वो ह्यूमन बीइंग की है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कुछ मैं ह्यूमन की स्टेजेस बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखना। सबसे पहले जो ह्यूमन देखे गए ड्रायोपिथेकस, उसके बाद में जो ह्यूमन आए रामापिथेकस, देन फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे इनकी ब्रेन कैपेसिटी, ब्रेन का जो साइज है वो 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। फिर थोड़े और डेवलप हुए होमो हैबिलिस, इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी 650 से लेकर 800 क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर और डेवलप हुए होमो इरेक्टस, जो कि सीधे चलने लगे, तो इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। नियंडरथल मेन, जो अभी के जो मानव है उनसे पहले थे नियंडरथल मेन, इनकी ब्रेन कैपेसिटी और बढ़ गई, 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर इनका वॉल्यूम हो गया। और आज के जो ह्यूमन है यानी कि हमारा जो ब्रेन की जो कैपेसिटी है, ब्रेन का जो वॉल्यूम है वो 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो ये बच्चों डिफरेंट स्टेजेस हैं ह्यूमन के डेवलपमेंट की। तो बच्चों आज के क्लास में हम इतना ही करेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कल अपन नेचुरल रिसोर्सेज के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे,
फिर अपन लाइफ प्रोसेस के जो टॉपिक्स हैं उनको हम समझाएंगे। ठीक है बेटा, तो आपको अगर कुछ पूछना है तो एक बार हैंड रेज कर दो और पूछ लीजिए।